19 अक्टूबर को टीम इंडिया लेने जा रही है क्रिकेट जगत के सबसे बड़े उलटफेर का बदला। 16 साल पहले हुई थी टीम इंडिया के साथ सबसे बड़ी घटना। लाखों फैंस मैदान में रो पड़े थे, करोड़ों इंडियंस का दिल टूट गया था। जिसने टीम इंडिया के सपने को किया था धराशायी, उससे बदला लेने की बारी आई। रोहित की सेना को देख कांप रहे हैं विरोधी टीम के खिलाड़ी। टीम इंडिया बल्ले और गेंद से मचाने वाली ऐसी तबाही कि जीवन भर याद रखेंगे बांग्लादेशी। रोहित शर्मा ने चली चाणक्य वाली चाल, बांग्लादेश को बुरी तरीके से कुचलने का बना लिया प्लान। भारत की प्लेइंग 11 में होने जा रहा है बड़ा खेल। जी हां, वो घड़ी आ गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को धूल चटाते हुए शानदार आगाज किया है। टीम इंडिया पॉइंट टेबल में टॉप पर है, लेकिन इन सब में टीम इंडिया अपना सबसे बड़ा मुकाबला कल के दिन खेलने जा रही है। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिहाज से छोटा है, लेकिन बदला लेने की भावना से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा महामुकाबला है। आज भी हर इंडियन फैंस के दिल में साल 2007 के वर्ल्ड कप के सबसे काले दिन की यादें ताजा हैं, और ये जख्म और भी ताजा हो गया है जब उसी टीम के सामने टीम इंडिया 19 तारीख को मैदान में उतरेगी। तो किसी भी हाल में इस टीम को बख्शने वाली नहीं है। पाकिस्तान को एक तरफा पीटने के बाद अब बारी है बांग्लादेश की, जिसे मैदान में रोहित की सेना जमकर तोड़ने वाली है। टीम इंडिया के निशाने पर अब सेमीफाइनल है, तो वहीं बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में सफर खत्म होने का दांव लगा हुआ है। इंडिया अपने तीनों मुकाबले जीत चुकी है, वहीं बांग्लादेश 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। भारत चौथी जीत की तलाश में है, जो टीम इंडिया के फॉर्म से पक्की लग रही है। इस बीच रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी चाणक्य नीति अपनाई है और ऐसी प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं जो मैदान में बड़ा खेल करने वाली है। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में कई बड़े बदलाव करके मैदान में एक अलग प्लेइंग 11 उतार सकते हैं। अब तक के तीनों मैचों में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और सूर्यकुमार यादव को मौका नहीं मिला। ये सभी खिलाड़ी बेंच पर भले ही बैठे हैं, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। डेंगू से उबरने के बाद शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान में जमकर हल्ला मचाने वाला है। दूसरी तरफ कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा थिंक टैंक बांग्लादेश से निपटने के लिए शार्दुल ठाकुर को चुनते हैं या फिर किसी स्पिन गेंदबाज को मैदान में उतारते हैं। अगर ऐसा होता है तो आर अश्विन सबसे पहले विकल्प होंगे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिराज को भी आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को उतारा जा सकता है। वहीं बांग्लादेशी कप्तान चोटिल है, अगर शाकिब अल हसन मैदान में नहीं उतरते हैं तो बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि बांग्लादेशी कप्तान भारत के खिलाफ उतरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला आखिरी समय पर ही होगा जब बांग्लादेश अपना प्लेइंग 11 तय करेगा। पुणे की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर मानी जाती है, ऐसे में सभी की निगाहें बल्लेबाजों पर होंगी। खासतौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और शुभमन गिल पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। इस मैदान पर अब तक 7 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 8 बार टीमों ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। इन 7 वनडे मुकाबले में किसी भी टीम की तरफ से मिनिमम स्कोर 225 है, मतलब इससे कम रन नहीं बने। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर किसी की नजरें टॉस पर होंगी, और अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो फॉर्म को देखते हुए 350 या 400 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस मैच में किसका बल्ला तबाही मचाएगा और बांग्लादेश के किस गेंदबाज की सबसे ज्यादा धुनाई करेगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।